जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज़ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन घातक गेंदबाजी करवाने वाले जसप्रीत बुमराह ने रचा बड़ा इतिहास। टेस्ट इतिहास में कर दिखाया एक ऐसा बड़ा कारनामा कि जानने के बाद आप भी करोगे उनको सलाम। तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह ने कौन सा वो रिकॉर्ड गेंदबाजी में अपने नाम किया उसी के बारे में। तो आप सभी इस खबर को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी जो काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें निकल कर आ रही है उनके बारे में बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि जब मैदान पर गेंदबाजी करवा रहे थे जसप्रीत बुमराह, तो उस दौरान रॉरी जोसफ बंस को आउट करने के लिए बुमराह ने डाली एक ऐसी गेंद कि देखने के बाद वीडियो आपको भी नहीं होगा यकीन। और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में हम बात करेंगे वो ये होगी कि हार्दिक पांड्या का भारतीय टीम में से हुआ पत्ता साफ। शार्दुल ठाकुर के धूम धड़ाके के बाद बड़े बड़े दिग्गजों ने कर दी ऐसी बड़ी मांग की जानने के बाद आप भी रह जाओगे दंग। तो दोस्तों इस बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। तो आप सभी इन तीनों ही खबरों को जानने के लिए बिल्कुल बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। और वहीं दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना। और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मात्र 500 लाइक्स का। तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप भी हमारे चैनल आरएस न्यूज पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को भी जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में चौथा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जहां पर खेल के चौथे दिन मैच की दूसरी पारी में टीम इंडिया 466 रन पर ही ऑल आउट हो गई। तो इसी के साथ भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ 367 रनों की बढ़त हासिल हुई। तो वहीं दोस्तों इस तरह से इंग्लैंड को जीत के लिए 368 रनों का टारगेट मिला है, जिसे चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम ने 77 रन बना लिए थे। और ऐसे में दोस्तों हम आपको बताएं कि चौथे दिन के मुकाबले के दौरान भारतीय टीम अगर 466 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई वो बस मात्र भारतीय टीम के बल्लेबाजों की बदौलत, क्योंकि दोस्तों यहां पर दूसरी पारी में रोहित शर्मा का शतक और चेतेश्वर पुजारा के 61 रन, तो वहीं कप्तान विराट कोहली के 44 रन और फिर ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर का मैदान पर आना और शतकीय साझेदारी करना सूझबूझ से वो काफी ज्यादा मायने भारतीय टीम के लिए रखता है। तो वहीं फिर उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह द्वारा लगाए गए चौके और छक्के इन्हीं से ही भारतीय टीम ने इस मुकाबले में वापसी की और 466 रनों तक टीम पहुंच पाई। हालांकि दोस्तों चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन टीम जब गेंदबाजी करवाने के लिए उतरी तो इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रॉरी जोसफ बंस और हसीब अमित मैदान पर उतरे, जहां पर ये दोनों ही बल्लेबाज भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा लेते हुए नजर आए। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और दोनों ने काफी सूझबूझ भरी पारी खेली, जहां पर चौथे दिन का खेल खत्म होने तक रॉरी जोसफ बंस 31 रन तो वहीं हसीब अमित 43 रन बनाकर नावाद पवेलियन लौटे। तो इन दोस्तों दूसरी पारी के चौथे दिन भारतीय टीम को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि दोस्तों जसप्रीत बुमराह के पास यहां पर एक बड़ा इतिहास और कीर्तिमान रचने का मौका है। दरअसल दोस्तों अगर जसप्रीत बुमराह पांचवे दिन यानी कि आज एक विकेट चटका देते हैं तो वो टेस्ट क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारतीय टीम के खिलाड़ी बन जाएंगे। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह अभी तक 24 मैचों की 46 पारियों में 99 विकेट ले चुके हैं, जहां पर जसप्रीत बुमराह के पास अगर एक विकेट और आ जाता है तो वो इरफान पठान की इस मामले में बराबरी कर लेंगे, जहां पर इरफान पठान ने 29 मैचों की 54 पारियों में 100 विकेट लेने का कारनामा किया था। तो वहीं दोस्तों नंदलाल शिवलाल यादव को भी पीछे करने का मौका भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के पास होगा अगर बुमराह 3 से ज्यादा विकेट लेने का कारनामा कर लेते हैं। तो ऐसे में दोस्तों यहां पर जसप्रीत बुमराह के ऊपर अब पूरा दारोमदार है इस रिकॉर्ड को तोड़ने का। बाकी अब आपको क्या लगता है, क्या बुमराह ये इतिहास रच पाएंगे या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वहीं चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है, अब आपका क्या होगा हार्दिक पांड्या, शार्दुल के धूम धड़ाके के बाद फैंस ने काटा बवाल। जी हां दोस्तों, शार्दुल ठाकुर 60 रन और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 50 रन की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां दी ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन रविवार को दूसरी पारी में 466 रन बनाकर 367 रनों की बढ़त हासिल कर ली। और इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 368 रन बनाने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों शार्दुल ठाकुर के लगातार ओवल के क्रिकेट ग्राउंड पर उनके अर्धशतकों ने उनको हीरो बना दिया है, जहां पर सोशल मीडिया पर इस ऑलराउंडर की जमकर तारीफ हो रही है। तो वहीं कुछ फैंस कह रहे हैं कि शार्दुल के इस प्रदर्शन के बाद टेस्ट टीम से हार्दिक पांड्या का पत्ता कटना तय। जी हां दोस्तों, वहीं कुछ फैंस सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या को लेकर मजेदार मीम्स भी बनाते हुए उनको ट्रोल करते हुए नजर आए। बाकी दोस्तों आपकी इसके बारे में क्या राय, आप क्या मानते हो, क्या सही में हार्दिक पांड्या अब आप सभी को टेस्ट क्रिकेट में देखते खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे? आप अपनी कीमती राय और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए
चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि शार्दुल ठाकुर की 60 और विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की 50 रन की शानदार बल्लेबाजी के दम पर भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ यहां दी ओवल स्टेडियम में खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के चौथे दिन रविवार को दूसरी पारी में 466 रन बनाकर 367 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि भारतीय टीम ने चौथे टेस्ट मुकाबले के चौथे दिन इतनी शानदार बल्लेबाजी करी कि जो भारतीय टीम की अपेक्षाएं थी कि वो 300 से ऊपर का टारगेट इंग्लैंड की टीम के सामने रखे, वही टीम ने करकर दिखाया। जी हां दोस्तों, हम आपको बताएं कि इस मुकाबले की पहली पारी में जहां भारतीय टीम मात्र 191 रनों पर ही आउट हो गई थी, तो वहीं इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 290 रन बनाए, जिसके जवाब में जब भारतीय टीम दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो उसके पास इंग्लैंड द्वारा चढ़ाई गई लीड को उतारने के साथ साथ एक नया टारगेट सेट करने का भी अलग से प्रेशर था। रविंद्र जडेजा मैदान पर आए तो यहां पर विराट कोहली 44 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 17 रन बनाए, जैसा कि आप सब यहां पर स्कोर कार्ड में भी देख सकते हो। हालांकि दोस्तों एक बार फिर से उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने हर किसी को निराश किया। जी हां दोस्तों, अजिंक्य रहाणे 0 रन के स्कोर पर ही आउट हुए और उनका विकेट क्रिस वॉक्स ने लिया। तो वहीं दोस्तों अजिंक्य रहाणे के बाद ऋषभ पंत और शार्दुल ठाकुर ने शानदार बल्लेबाजी करी, जहां पर ऋषभ पंत ने 50 रन बनाए तो वहीं शार्दुल ठाकुर ने 60 रन की एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो वहीं अंत में टेलेंडर्स बल्लेबाजों ने यानी कि उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह ने चौके और छक्कों की बरसात करते हुए भारतीय टीम को 466 रनों के पार पहुंची करने के लिए मैदान पर उतरे रॉरी जोसफ बंस और हसीब अमीद। जी हां दोस्तों, ये दोनों ही बल्लेबाज आज मैदान पर आते से ही ताबड़तोड़ अंदाज में नजर आए, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे दिन का खेल खत्म होने तक काफी अच्छी पारी खेली और भारतीय टीम के गेंदबाजों की जमकर परीक्षा। तो चलिए आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में। जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये उमेश यादव, जहां पर उमेश यादव अपने अलग ही रंग में नजर आए। जी हां दोस्तों, उमेश यादव एक छोर पर जहां खड़े होकर चौके और छक्कों की बरसात कर रहे थे, तो वहीं दूसरी छोर पर ऋषभ पंत ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ऋषभ पंत ने अपने अर्धशतक के दौरान 105 गेंदों का सामना किया। तो वहीं दोस्तों अर्धशतक के बाद ऋषभ पंत ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए और उनका विकेट मोइन अली ने कॉट एंड बोल्ड कर कैच आउट लिया। तो वहीं दोस्तों ऋषभ पंत के आउट होने के बाद मैदान पर आए जसप्रीत बुमराह, जहां पर उमेश यादव और जसप्रीत बुमराह ने ताबड़तोड़ रनों की बरसात कर डाली। जी हां दोस्तों, उमेश यादव तूफानी रंग में नजर आए और आज के इस मुकाबले में उन्होंने 25 रन की पारी खेली, लेकिन दोस्तों 25 रन की पारी में उन्होंने एक चौका और दो बड़े छक्के लगाए। तो यहां पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन आज काफी ज्यादा शानदार मैदान पर देखने को मिला और उनके इस प्रदर्शन के बाद अब ऐसा लगता है कि जरूर भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाएगी। और यहां पर भारतीय टीम ने पहली पारी में 367 रन बना चुके हैं, इंग्लैंड की टीम को 367 रनों का टारगेट दिया। उम्मीद है कि आपको दिखाई गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि जो आगे की अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।